द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका टी एन देखते हैं, टी एन का पैटर्न ढूंढो। टी एन का पैटर्न क्या होगा, देखो ऊपर वन है, नीचे टू थ्री, फिर टू है थ्री फोर, थ्री है फोर फाइव। तो फर्स्ट टर्म में वन है, सेकंड टर्म में टू है, थर्ड टर्म में थ्री है, तो एन टर्म कितना होगा, एन होगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इतना होगा। और देखो साथ में इंटू टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री, तो यहाँ पे हम टू के पावर में एन लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में टू के पावर वन है, सेकंड टर्म में टू के पावर टू है, तो एन टर्म में टू के पावर में एन होगा ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो एन बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू है, इसको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, मतलब ए बाई एन प्लस वन प्लस बी बाई एन प्लस टू, इसको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए ए राइट साइड जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू होता, और ऊपर में हो जाएगा ए इंटू एन प्लस टू प्लस बी इंटू एन प्लस वन, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ऊपर में n लिखा हुआ है। तो ये नीचे वाला तो कट जाएगा, ऊपर वाला इक्वल कर दिए, तो n का वैल्यू अब रखो माइनस टू। जब n का वैल्यू माइनस टू रखेंगे ऊपर वाला में दोनों, तो ये जो n प्लस टू ये जीरो हो जाएगा ना, और b इंटू एन प्लस वन है तो कितना हो जाएगा, इधर तो n है माइनस टू हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस टू इक्वल टू बी इंटू माइनस वन। तो देखो b का वैल्यू आ गया टू, बिकल टू आ गया। अब अगर n का वैल्यू हम माइनस वन रखेंगे ताकि n प्लस वन जीरो हो जाए, तो यहाँ से माइनस वन रखेंगे तो ये होगा माइनस वन इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू वन, तो a का वैल्यू आ गया माइनस वन। तो a और b का वैल्यू जैसे मिला तो ये जो चीज़ है ना पार्शियल फ्रैक्शन से लिख देंगे, तो b का वैल्यू टू है ना, तो टू बाई एन प्लस टू, और a का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन बाई एन प्लस वन, ऐसे आ जाएगा। तो देखो tn क्या लिख सकते हैं, तो tn यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, मतलब 2 बाई एन प्लस टू माइनस वन बाई एन प्लस वन होगा, और साथ में 2 के पावर में n हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर में n हो जाएगा। अब देखो जो 2 के पावर में n है इसको हम अगर इंटू करते हैं तो tn कितना बन जाएगा, देखो tn कितना बन जाएगा, 2 के पावर में n प्लस वन हो जाएगा, और डिवाइड में n प्लस टू माइनस यहाँ पे 2 के पावर में n बाई एन प्लस वन होगा, इतना। अब फाइंड क्या करना है, एन टर्म का सम फाइंड करना है ना, तो एन टर्म का सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को टी वन टी टू टी थ्री फाइंड करना पड़ेगा, और फिर सबको सम कर दो, ठीक है। तो देखो टी वन फाइंड करो, टी वन मतलब एन का वैल्यू वन रखो, तो एन का वैल्यू वन रखें तो टू बाई टू होगा, टू बाई यहाँ पे एन का वैल्यू वन रखें ना, तो टू का स्क्वायर ना, टू का स्क्वायर बाई नीचे थ्री हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा टू बाई टू, ओके। अब देखो T2 कितना आ जाएगा, T2 हो जाएगा n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर में 3 बाई नीचे हो जाएगा 2 रखें तो 4 माइनस माइनस यहाँ पे कितना होगा, 2 रखे हैं तो 2 के पावर में 2 बाई थ्री हो जाएगा, होगा ना, ओके। T3 देखो कितना होगा, T3 मतलब 2 के पावर में 4 बाई फाइव माइनस यहाँ होगा 2 के पावर में 3 बाई फोर, होगा ना। इसी तरीके से T1 T2 T3 जब हो गया तो टी एन यहाँ पर लिख सकते हैं, टी एन कितना लिखेंगे, जितना लिखा हुआ है ये, मतलब टू के पावर में एन प्लस वन बाई में हो जाएगा एन प्लस टू माइनस टू के पावर में एन बाई में एन प्लस वन, ये हो गया। अब सबका सम कर दो, जब सबका सम करेंगे तो मिलेगा एस एन, एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन, ठीक है। अब देखो पैटर्न ढूंढो, कौन सा पैटर्न से कट रहा है, पैटर्न ढूंढना है। देखो टी वन है, टी टू है, टी थ्री है, तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये कट रहा है ना, देख लो ये कट जाएगा, इसी तरह ये कट जाएगा और ये लास्ट ला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बच जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट ला ये टर्म बच जाएगा, तो यही हो गया एस एन। कितना हो गया एस एन, टू के पावर में एन प्लस वन बाई एन प्लस टू और माइनस टू बाई टू, टू बाई टू मतलब माइनस ऑफ वन, ठीक है, यही हो गया आंसर। तो यही हो गया आंसर एस एन, जो वैल्यू फाइंड करना था, जो क्वेश्चन था आसान था ये वाला, ओके।